बीबीसी दुनिया में आज देखिए राम मंदिर का चुनाव पर क्या होगा असर। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने कहा, सदियों के इंतजार के बाद आया ये पल। लेकिन क्या अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर निर्माण का होगा फायदा? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। राम मंदिर और चुनावी समीकरणों की करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। असम में एक मंदिर में जाने से रोकने पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, क्या सिर्फ एक व्यक्ति को मंदिर में जाने की है इजाजत? भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी। गजा पर इजरायली हमले जारी। हमास के मुताबिक मरने वालों की संख्या 25,000 के पार। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू टू स्टेट सोल्यूशन को लगातार कर रहे हैं खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार में डोनाल्ड ट्रंप को एक और सफलता। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, ट्रंप के समर्थन का ऐलान किया। यूएन में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली हैं दूसरी दावेदार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियां हैं। भारत की मौजूदा राजनीति में इस घटनाक्रम के क्या मायने हैं और क्या होंगे इसके परिणाम? कवर स्टोरी में इसी की बात। हमारे प्रभु राम आ गए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता दिखाई नहीं दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर यह कहा, आज हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। आधुनिक भारत के सबसे लंबे चले विवादों में से एक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अपने अंजाम पर पहुंच गया। ये विवाद कई दशकों तक प्रभाव डालता रहा। अयोध्या में मंदिर निर्माण की मांग करती रही बीजेपी अब सत्ता में है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। तो सवाल ये है ऐसे में कि क्या इससे आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा या विपक्षी दल बीजेपी को इसका फायदा उठाने से रोक पाएंगे? देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोर्नूर की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो गया है। जहां कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी, वहां अब राम का मंदिर नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। आधुनिक समय का ये नया अयोध्या कांड कभी भी सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक भी रहा। राम मंदिर आंदोलन से केवल हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद अपने चरम पर नहीं पहुंचा, बल्कि उसने भारतीय राजनीति का स्वरूप भी बदल दिया। इसीलिए आज सबसे अहम सवाल है कि इतने सालों बाद क्या देश की राजनीति एक बार फिर से मंदिर के मुद्दे पर केंद्रित हो गई है? देश के सभी हिस्सों में ये एक हलचल पैदा हो जाती है, एक माहौल पैदा हो जाता है और सारी जनता एक दिशा की तरफ उमड़ पड़ती है, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होता ही है, कुछ ना कुछ परिणाम तो होता ही है और वो परिणाम जरूर दिखाई देगा। जानकारों का मानना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में पिछली बार से बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है और इसीलिए देश भर में माहौल बनाया जा रहा है। घर घर अक्षत बांटे गए, गलियों में कलश यात्राएं निकल गई
और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अगुवाई कर पीएम मोदी किसी मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में जाने वाले संभवतः पहले प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन क्या इस कवायद के सियासी लक्ष्य भी हैं? ऐसे मतदाता, ऐसे लोग जो लगभग रोज मंदिर जाते हैं, बहुत धार्मिक हैं, उनमें से तकरीबन 51-52% लोग बीजेपी को वोट किए हैं 2019 के चुनाव में। लेकिन ऐसे लोग जो मंदिर बहुत कम जाते हैं, कभी कभार चले गए, धर्म में बहुत आस्था नहीं है, बहुत धार्मिक नहीं है, उनमें बीजेपी को तकरीबन 30-32% वोट मिलते हैं। तो सीधा सीधा संबंध दिखाई पड़ता है कि जो ज्यादा धार्मिक है उनका झुकाव बीजेपी की तरफ उनकी तुलना में ज्यादा है जो धार्मिक कम है। 2024 का चुनाव मेरे हिसाब से हिंदुत्व के कोर मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और राम मंदिर उसके फोरफ्रंट पर है। और मैं बहुत आश्वस्त हूं कि उत्तर भारत में कम से कम बड़ी संख्या में लोग बीजेपी को वोट राम मंदिर के निर्माण और उसकी स्थापना के कारण देंगे। इतिहास गवाह रहा है कि कई बार सतह पर चीजें जैसी नजर आती है चुनावी धरातल पर आकर बदल भी जाती है। जैसे जब बाबरी मस्जिद गिरी थी और उसके बाद भी ये परसेप्शन था कि अब पूरा हिंदुत्व छा जाएगा और बीजेपी स्वीप करेगी, लेकिन यूपी में ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गए थे काशीराम मुलायम सिंह, तो बीजेपी हार गई थी। तो उसके बाद भी चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकारें नहीं बनी थी। तो एक तो ये डिपेंड करेगा कि भाई अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स क्या है। यहाँ की राजनीति में हमेशा दो धाराएं प्रभावी रही हैं, एक है धर्म की, दूसरी है जाति की। एक तरफ बीजेपी जो मंदिर निर्माण का मुद्दा लेकर कथित तौर पर हिंदू कंसोलिडेशन का प्रयास कर रही है, तो उसका महत्व कम करने के लिए दूसरी छोर पर विरोधी दल जाति के मुद्दे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इस देश ने बहुत समय तक मंडल कमंडल का संघर्ष देखा है, इसलिए आज भी यही सवाल अहम बन जाता है, क्या मंडल कमंडल का प्रभाव कम कर सकता है? 2014 तक जो ओबीसी थी ना, ओबीसी बीजेपी के साथ अपने को नहीं जोड़ के चल पा रही थी, वो हमेशा एक सेपरेट अपना रखती थी पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है, उसका जिसमें उसका मंडल भी शामिल था, जिसमें उसकी बेरोजगारी भी शामिल थी। वो पॉलिटिक्स बदली, वो पॉलिटिक्स जो मंडल से आई थी और मंडल और कमंडल को डिवाइड करती थी, उस पॉलिटिक्स में जो मंडल का हिस्सा था, अति पिछड़ा, अति गरीब, वो इस तरीके से जोड़ता गया। जाति को लेकर करके खतरे और उसकी बात नहीं होती है, लेकिन बार बार ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में रहा है या हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है, तो ये नैरेटिव ज्यादा बड़ा है। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्वोत्तर राज्यों से निकली अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का अयोध्या के समारोह से दूरी बना लेना चुनाव के परिणाम पर असर डालता है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि मतदाता इस समारोह को धार्मिक समझेगा या राजनीतिक। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे वरिष्ठ संत माने जाते हैं, धर्मगुरु माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये सब गलत हो रहा है और उन्होंने सबने जाने से मना कर दिया। तो क्या वह एंटी हिंदू है? वो क्या प्रो मुस्लिम है? तो इससे ये भाजपा की राजनीति, राम मंदिर की राजनीति पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। बेरोजगारी और महंगाई भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर है, जो पिछले कई दशकों में ज्यादा बताई जाती है, और महंगाई लोगों के घर का बजट बिगाड़ रही है। चुनाव में जब हमने सर्वेक्षण किया तो बड़ी संख्या में लोग कहते थे कि बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई से परेशान है। लेकिन इन राज्यों में भी हमने देखा, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा बनी। जानकारों के मुताबिक इसी राष्ट्रवाद के मुद्दे को भाजपा मंदिर से जोड़ने में कामयाब रही है, मगर आने वाले चुनाव तय करेंगे कि भारतीय राजनीति में राम मंदिर का अध्याय प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर निर्माण के बाद समाप्त हो गया है या फिर ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। मयूरेश कोंडूर, BBC News, अयोध्या।
और बात इसराइल हमास जंग की। गजा में इसराइल के हवाई और जमीनी हमले जारी हैं। गजा में अधिकारियों ने कहा है कि कल रात वहां हुए हवाई हमले में एक शख्स की मौत हुई है, 7 घायल हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसराइली टैंक ने इलाके में एक अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी की घेराबंदी की है। बताया जा रहा है कि इस जगह पर हजारों लोगों ने शरण ले रखी है। इस बीच गजा के मुख्य अस्पताल में लाए जाने वाले घायलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव खारिज करने के बाद इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की काफी आलोचना हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच हाल में बात भी हुई है। बाइडन को लगता है कि फलस्तीन को मान्यता देना अभी भी संभव है। हमास ने प्रस्ताव दिया था गजा से इसराइली सुरक्षा बलों की वापसी के बाद बंधकों की रिहाई का, लेकिन नेतन्याहू ने उसे भी खारिज कर दिया है। दूसरी ओर गजा में जंग को लेकर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री, क्योंकि इसराइल के विदेश मंत्री और फलस्तीनी अथॉरिटी के एक शीर्ष राजनयिक के साथ बातचीत चल रही है। इस बैठक में कई अरब देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। गजा के हालात के बारे में देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क लोविन की रिपोर्ट। मरने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बीती रात के हवाई हमले के साथ ही गजा के मृतकों की संख्या 25,000 के आंकड़े को पार कर गई। ये आंकड़ा हमास ने जारी किए हैं। हर घंटे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसराइल का ध्यान अब दक्षिणी गजा पर है, जहां हवाई हमलों के साथ समंदर के रास्ते भी हमले हो रहे हैं, लेकिन उत्तरी गजा में भी झड़पें हो रही हैं। इसराइली सेना को हमास से मजबूत माना जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में अब भी उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। इसराइली सुरक्षा बलों ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि उन्हें ये नई सुरंग मिली है। इसमें छिपाकर विस्फोटक रखे हुए थे और ये 800 मीटर लंबी है। सेना को शक है कि यहाँ इसराइली बंधकों को रखा गया था। सुरंग में हमें 5 सेल मिले, हर एक में टॉयलेट था और लोहे की सलाखों के पीछे गद्दा रखा था। हमारे पास मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक इस सुरंग में अलग अलग जगहों पर करीब 20 बंधकों को खराब हालत में रखा गया था। यहाँ रोशनी नहीं आती, ऑक्सीजन बहुत कम है और बहुत ज्यादा आर्द्रता होने से सांस लेना मुश्किल है। लेकिन 3 महीने हो जाने के बाद भी इसराइल हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका है या बचे हुए बंधकों को घर वापस नहीं ला सका है। नाराजगी बढ़ रही है। कुछ जंग विरोधी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई हो गई है। अधिकतर इसराइली अपने झंडे के साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ नहीं, और फलस्तीनी राज्य पर उनके लगातार विरोध से सहयोगी नाराज हो रहे हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू ने जो कहा वो बहुत निराशाजनक है। हालांकि इसमें कुछ हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अपने पूरे राजनीतिक करियर में वो दो देश के समाधान के खिलाफ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इस मसले को गंभीरता से हल करने के लिए दूसरे कौन से रास्ते हैं। यहाँ इसराइल में जंग को लेकर जनता के धैर्य की बेशक एक सीमा है, और अमेरिकी खुफिया विभाग का आकलन है कि इसराइल ने अब तक सिर्फ 20-30% हमास लड़ाकों को ही मारा है, और समूह के पास महीनों लड़ते रहने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, जिसने एक लंबे संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया है। इसका खमियाजा दोनों पक्ष भुगतेंगे। बुखार में तप रहे बच्चों को दवा नहीं मिल रही, क्योंकि गजा के अस्पतालों में दवा की कमी है और साफ पानी की कमी से बीमारी फैलती है। डॉक्टर अक्सर बच्चों को राहत देने के लिए एक साधारण सिरप का सहारा लेते हैं, लेकिन ये गजा की जंग के दर्द को कम नहीं कर पाता। इस बीच इजरायली बंधकों के कई परिवार वाले संसद में घुस गए आज। और खबर चीन से। दक्षिण चीन के यूनान प्रांत में एक भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लापता हैं। ये इलाका दक्षिण पश्चिम चीन में पड़ता है, जहां झाओटोंग शहर में भूस्खलन के बाद मलबे ने कई इमारतों को अपनी चपेट में लिया है। भूस्खलन स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:51 पर हुआ और हादसे के वक्त कई लोग सो रहे थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आए हैं, जिसमें राहतकर्मी मलबे के पास दिखाई दे रहे हैं। ये इलाका बेहद ठंडा है, इस इलाके में तापमान 0 से भी नीचे रहता है, और हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हम सब पासवर्ड्स डालकर कई साइट्स पर लॉगिन करते हैं, फिर इतने पासवर्ड्स याद रखना मुश्किल हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर नया पासवर्ड बनाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पासवर्ड बनाना ही ना पड़े? आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि पासवर्ड की जगह पासकी ले ले। गूगल और कई टेक कंपनियों ने तो पासकीज बनाना भी शुरू कर दिया है। देखिए बीबीसी संवाददाता जो टाइडी की रिपोर्ट।
पासकीज के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन भविष्य में हमारी ऑनलाइन सुरक्षा का दारोमदार इसी पर है। सभी तरह के दर्जनों ऑनलाइन व्यवसायों को उम्मीद है कि ये नई तकनीक आखिरकार पासवर्ड को खत्म कर देगी। तो पासकीज क्या होती हैं और जो हम अब तक करते आ रहे हैं वो उससे कैसे अलग हैं? किसी साइट को ये दरवाजा समझिए जिसमें दाखिल होने के लिए आपको पासकोड डालना पड़ता है, पर ये बहुत असुरक्षित है क्योंकि जालसाजों को सिर्फ ये कोड या फिर पासवर्ड चाहिए होता है जिससे वो साइट पर आ जाते हैं। पासकी मेरी पहचान सुनिश्चित करती है और ये भी कि मेरे पास सही कोड है। पर पास कीज में ये सब एक डिवाइस और इंक्रिप्शन की मदद से किया जाता है। पास की सेट करने में कुछ मिनट लगते हैं। ऑनलाइन सर्विस आपसे आपकी पहचान की पुष्टि डिवाइस के जरिए करने को कहती है। ये यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने से थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ देह है, पर इतना बड़ा बदलाव क्यों और क्या वाकई ये इतने काम का है? पासवर्ड हमारी पहचान सुरक्षित रखने का सबसे खराब तरीका है। कोरी मेसी हैकिंग करती हैं। वो कंपनियों के नेटवर्क को किसी भी तरह के साइबर हमले की सूरत में खुद को बचाने के लिए उस काबिल बनाती हैं। पासवर्ड बनाने में लोग बहुत बुरे हैं। 10 में से 9 बार जब मैं कहीं जाती हूं तो समर 2023 या विंटर 2023 को बतौर पासवर्ड डालकर मैं कुछ अकाउंट्स में लॉगिन कर लेती हूं। हमें कुछ लोग भी मिलते हैं जो सबसे पहले बनाए गए पासवर्ड में छोटा मोटा बदलाव कर उसे हर जगह इस्तेमाल करते रहते हैं। पासवर्ड्स को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। मेरे पासवर्ड मैनेजर को एक ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया आम लोगों के पासवर्ड को सुरक्षित रखने के काम में आ रही अड़चनों को पार करने में नाकाम रही है। तो अब हमें पसंद आए या नहीं, कहीं भी लॉगिन करने के लिए भविष्य में हमें अपने फोन या थंबप्रिंट और ज्यादातर फेशियल आईडी का इस्तेमाल करना होगा। कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पर पास कीज हमारी ऑनलाइन जिंदगी का भविष्य उज्जवल कर सकती है। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए या फिर कार्यक्रम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBCSarika पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।